नमस्कार दोस्तों, किसी भी नेशन का फ्यूचर डिपेंड करती है उस नेशन के स्टूडेंट के ऊपर, और किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर डिपेंड करती है उस नेशन में चलती हुई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। मुझे भरोसा है कि जो हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी से युक्त हो। आप सभी जानते हैं कि 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो की एक फॉर्मर साइंटिस्ट रहा है, उनके लीडिंग में इंडिया में एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमारे इंडिया में 265.2 करोड़ स्टूडेंट की फ्यूचर में कैसा चेंजेस आने वाला है, क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से हमारे स्टूडेंट के अंदर अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन से हमारे स्टूडेंट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्शन देखने को मिलेगा, ये सारे डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। इसे समझने से पहले हम एक चीज को समझना पड़ेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा बैक जाते हैं 2020 में। जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, तब गवर्नमेंट ने बोला था कि जैसे ही इंडिया से कोरोना चला जाएगा, वैसे ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 2023 में सबसे पहला रिमार्केबल चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिला, और इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करके इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम है NCERT, जो कि गवर्नमेंट का एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और आपकी बच्चा कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर्स पढ़ेंगे ये सारे सब कुछ डिसाइड करती है NCERT। जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, NCERT ने 2023 में अपनी सिलेबस या कोर्स कारिकुलम में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आने से पहले NCERT ने अपनी कोर्स कारिकुलम क्लास 11th या 12th में कुछ इस तरह से डिजाइन किया था, जो टॉपिक क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं बच्चे, उन टॉपिक को अगेन दोबारा 11th या 12th में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सीनियर सेकेंडरी की कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, वैसे ही NCERT ने इस कोर्स कारिकुलम में चेंजेस लाया है, यानी कि जो टॉपिक क्लास 11th 12th में पढ़ाया जा रहा था और वो टॉपिक क्लास 9th 10th में भी पढ़ाया जा रहा था, अब वो 11th या 12th में पढ़ाया नहीं जाएगा। यानी कि अब सोच सकते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकती है। जो बच्चा पहले डॉक्टर इंजीनियर नीट JEE जैसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहता था, पहले बच्चा क्लास 11th 12th को पढ़ के बहुत बढ़िया से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर पा रहे थे, लेकिन अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा जो सिर्फ क्लास 11th या 12th में डिपेंडेंट रहेगा, और साथ ही साथ में उन बच्चों के लिए इन एग्जाम को क्रैक करना उतना ही आसान होगा जो बच्चा क्लास 9 से अपना प्रिपरेशन शुरू कर देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए इंडिया की सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग, जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवाते थे बच्चों को, ये सारे इंस्टीट्यूट अपना कोचिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके रखा है। पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 11 या 12 को ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन अब ये लोग क्लास 9 से ही बच्चों को प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट करवा दिया है। इस ख्याल के साथ असम की एक लीडिंग इंस्टीट्यूट अजमोल सुपर 40, जिसके नाम आप कभी ना कभी सुना है, जो आज तक 1000+ स्टूडेंट को डॉक्टर या इंजीनियर या IAS बनाने में सफल हुआ है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का पूरे असम में 25+ सिस्टर कॉलेजेस या ब्रांचेस है। जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, अजमोल सुपर 40 भी अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस तो जरूर लाया है। यानी कि अजमोल सुपर 40 फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी सारे सिस्टर कॉलेजेस में इनकी हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर के साथ सारे सिस्टर कॉलेजेस में क्लास 9 से बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाएगा। यानी कि आप सोच सकते हो कि अब असम की बच्चों के लिए कितना आसान हो चुका है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर आप भी चाहते हो अजमोल सुपर 40 के साथ जुड़ के अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पे इमीडिएट कॉन्टेक्ट कीजिए, इनकी कैरियर काउंसिलर से बात कीजिए और इमीडिएट अपना सीट बुकिंग कीजिए, क्योंकि ये लोग हमेशा लिमिटेड सीट को ही ऑफर करती है। और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए, ताकि इंडिया के सारे स्टूडेंट को ये पता चले कि वो अगर सच में डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, तो उन्हें क्लास 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी आने वाली सारे वीडियो आपकी मोबाइल पे सबसे पहले जाए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।